बहुत सारे जो मजदूर हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं यमुना घाट पे, आज क्या कुछ इंतजाम और क्या कुछ प्लानिंग? यमुना के किनारे कुदेसिया घाट पे बहुत सारे मजदूर इकट्ठा हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने आदेश देकर उन सभी को अलग अलग नाइट शेल्टर्स में भिजवा दिया है। बहुत सारे स्कूलों में नाइट शेल्टर्स बना दिए गए हैं और उनको वहाँ रखा जाएगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने पूरा आदेश दिया हुआ है कि दिल्ली के किसी भी कोने में कोई भी मजदूर अगर खाने की रहने की समस्या से ग्रसित है तो चाहे हमें अपने सारे सरकारी स्कूलों को, हमें चाहे अपने सारे कम्युनिटी सेंटर्स को नाइट शेल्टर्स में बदलना पड़े, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना रहे, मतलब रहने की समस्या से नहीं जूझेगा और खाने की समस्या से नहीं जूझेगा। सारी सरकार मिलकर सुनिश्चित कर रही है। जैसे ही ये असेंबली वहाँ पे होनी शुरू हुई, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए और सबको अब बसों में फ्रूट्स वगैरह दे के और उनको खाने की व्यवस्था करके अब उनको नाइट शेल्टर्स में ले जाया गया है और वो वहाँ आराम से रहेंगे। उनको नाइट शेल्टर में ही खाना दिया जाएगा और वहीं रखा जाएगा जब तक कि कोरोना का लॉकडाउन नहीं खुलता है। दूसरा, अभी दो दिन पहले भी यही हुआ था इसी तरह का, एक टीवी चैनल से पता चला था कि किसी जगह पर कुछ मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ मजदूर फंसे हुए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे, उनसे भी संपर्क करके उनको भी खाना दिया गया है। मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा, सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि दिल्ली में अगर इस तरह का कहीं भी कोई मामला सामने आता है तो हमारे संज्ञान में ज़रूर लाएं, मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार पूरी शिद्दत से इस काम में लगी हुई है कि किसी भी एक भी व्यक्ति को रात को भूखे पेट ना सोना पड़े, और ये हमने सुनिश्चित किया है और हम आगे भी सुनिश्चित करेंगे।